कांदला थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद फजलपुर माइनर के निकट जंगल में संचालित पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट हो गया। हालांकि विस्फोट में किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। विस्फोट के धमाके में तेज धुएं को देखकर आसपास के ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर भारी पुलिस बल व तहसीलदार कैराना पहुंच गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रशासन द्वारा फैक्ट्री के गोदामों को सीज किया गया। नगर के मोहल्ला राय जातगान निवासी शाहनवाज थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद और गौर गरीबा फाजलपुर माइनर के निकट जंगल में पिछले काफी समय से लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री संचालित करता है। मंगलवार की सुबह पटाखा फैक्ट्री में संदिग्ध स्थिति में तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। धमाके के साथ निकलने वाले काला धुआं आसमान पर छा गया। धमाके की आवाज से आसपास के लोग पूरी तरह से हिल गए और घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के साथ भयंकर आग लग गई। पटाखा फैक्ट्री से सटे आसपास के एक खेतों में चिंगारी से आग फैल गई। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक भारी पुलिस बल को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए तथा मामले की सूचना अग्निशमन विभाग को देकर आग बुझाने के लिए गाड़ी को मौके पर बुला लिया। तहसीलदार कैराना अर्जुन सिंह चौहान ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा पटाखा फैक्ट्री संचालक शाहनवाज के लाइसेंस को चेक किया। मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ी ने फैक्ट्री में लगी आग को काबू किया तथा विस्फोट सामग्री को मौके पर नष्ट किया। प्रशासन ने पटाखा फैक्ट्री लाइसेंस धारक शाहनवाज के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए गोदाम को सीज कर दिया है। तहसीलदार कैराना अर्जुन चौहान का कहना है कि किन्हीं कारणों से पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई थी। पटाखा फैक्ट्री संचालक के पास 15 किलोग्राम बारूद का लाइसेंस है। फैक्ट्री में पटाखा बनाने का कार्य किया जा रहा था। आग को काबू कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। पटाखा फैक्ट्री में गोदाम को सीज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। मैं आपका अखिलेश कुमार। ये आग कैसे लगी फैक्ट्री में? उधर हम इधर काम कर रहे थे, उधर ऑटोमेटिक आग लग गई। अच्छा, क्या बना रहे थे? ये इधर तो अनार बन रहे थे, पहली साइड का पता नहीं, पहली साइड जिस वक्त आग कैसे लगी, जिस वक्त नहीं पता कैसे लगी। अच्छा, जिस वक्त आग लगी आप फैक्ट्री में थे? हाँ, इधर ही थे, हम तो भाग गए थे। कितने लोग मौजूद थे फैक्ट्री में? तीन तो हम थे, तीन आदमी पड़ी साइड थे, तीन। इसमें घायल भी है कोई? नहीं, कोई नहीं घायल है, शांति से बता। अच्छा अच्छा, क्या बनाया जा रहा था यहाँ? इधर तो हम साइड तो अनार बना रहे थे, पड़ी साइड फुलझड़िया बन रही थी शायद। अच्छा, आग कैसे लग गई थी? आग पता नहीं कैसे लगी, अपना आप लग गई, अपना भी लग गया। कोई शाहनवाज निसार। अच्छा शाहनवाज, जो फैक्ट्री में आग लगी, क्या मामला हुआ, कैसे लगी? सर काम तो बंद था, थोड़ा अनार वगैरह धूप में सुखा रहे थे, उसमें अचानक आप उसमें गर्म होने की वजह से कुछ मिस्टेक हुई और जैसे ही अनार चला तो उसे आसपास में चिंगारी गिरी और बाकी सूखे सामान में खाली अनारों में खुल्लू में आग वगैरह लग गई। क्या क्या हानि पहुंची यहाँ पे? बस सर काफी सारा माल जल गया है, सारा टीन सेट वगैरह फैक्ट्री निरस्त हो गया। सर गरीब आदमी है सर। कितना नुकसान हुआ लगा? बस जू तो अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन अल्लाह का करम है, मान लो कोई लेबर के 4-5 बंदे काम कर रहे थे, वो सही सलामत है। किसी को कोई माल जान का माल का नुकसान हो गया, मतलब कोई घायल तो नहीं है? जी नहीं। पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है, क्या मामला हुआ? ये शहनवाज की फैक्ट्री है, पटाखा फैक्ट्री है, इसमें आग लग गई थी तो आग बुझा दी गई है। पुलिस विभाग और ट्रैफिक टीम और फायर ब्रिगेड ने मिलकर बुझा दिया, कोई जानहानि नहीं हुई है। आगे की कार्रवाई जो है वो क्या 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 कारण आग लगने का कुछ ये तो पता नहीं, वो तो जांच ही पता चल पाएगा क्या कारण है। उनकी भी जांच होगी, जो आबादी में है उनकी कार्रवाई की जाएगी, उनकी बाहर की तरह वो किया जाएगा। क्या सर इनके पास लाइसेंस? हाँ, इनके पास लाइसेंस इनके पास है, पर वो जांच में पता चला क्या निमित्त रही है क्या नहीं। आपके द्वारा सील की कार्रवाई की गई क्या? हाँ, ये सीलिंग की गई है, जांच के लिए इसको सील कर दिया गया है, तो जिससे कि जांच में जो है सही से हो पाए जाँच।